इमरान खान को वजीर आजम बनता हुआ आप देख रहे हैं? हाँ, बन सकता है बिल्कुल। पॉपुलैरिटी ग्राफ उसकी ऊंची जा रही है, ऑल दो वो काफ़ी रोलर कोस्टर पे रहा है, कभी ऊंचा कभी नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा, तो आजकल तो श्योरली ऊंचा जा रहा है। नहीं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप वैसे तारीफ भी कर चुके हैं इमरान खान की, आई नो इमरान खान मेरा ख्याल है आपकी गुड बुक्स में है, तो क्या आना चाहिए इमरान खान को बतौर वजीर आजम? देखें, मेरी गुड बुक्स में वो है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा, वो गुड बुक्स में है। ये जो दो हैं पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, ये नहीं कर सकते बाबा, चार चार दफा देख लिया इन्हें, नहीं कर सकते, इनकी इनकी बदनीयत है, ये नहीं करेंगे। अब इधर एक आदमी है जो मेरे से उसकी 2002 तक वो मेरे साथ ही था, तो आई नो हिम फेयरली वेल। मैं ही नहीं, मैं शौकत खानम में वो फंड कलेक्शन के लिए भी गया हूँ, मैंने इसकी मदद की है, तो ये बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ वो बुरा आदमी नहीं है, वो अच्छा आदमी है। अब मैं क्यों कहूँ उसको बुरा जस्ट बिकॉज मेरे खिलाफ हो, अगर मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ? नहीं, मैं नहीं कहूँगा। वो इन लोगों से बहुत बेहतर है, वो ईमानदार है, देयर इज नो डाउट, आई सपोर्ट दैट पॉइंट। वो पैसे उसके पास कोई खास नहीं है, मैं मुझे ये भी कहता हूँ नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह बाहर नहीं है। अगर इसको लालच होती तो इसकी पहली वाइफ जमाइमा, वो तो मल्टी मल्टी बिलियनर की बेटी है। नहीं नहीं, इसमें कुछ क्वालिटीज है विच वी शुड रिकग्नाइज। अब ये उसको नेगेट करती है कि वो भी बेईमान है, ये है वो है, और भाई दो पैसे की बेईमानी, कोई फरिश्ता थोड़ी है कोई भी, दो चार पैसे की कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं आदमी से। इसका मतलब नहीं है कि आप उसे डाकुओं से कंपेयर करने लगे कि वो उसके साथ ये, इसके साथ भी ये हो, ये क्या है।